नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका वाई स्टडी जेई पी जो कि पार्ट एन अकेडमी का। मेरा नाम है सोमदेव डांगी और मैं आपके चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो है बच्चों, हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक करने जा रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका डेरिवेशन मैं आपको बताने वाला हूं और लास्ट में आपको फॉर्मुला सीधे सीधे याद रखना है, उससे आप विद इन 10 seconds जल्दी से जल्दी 10 सेकेंड के अंदर अंदर आप कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। तो देखो, टॉपिक हमारा स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका डेरिवेशन समझना और डेरिवेशन के बाद में आप सीधा सीधा फॉर्मूला इसका याद रख सकते हो, ठीक है। तो देखो, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिया हुआ है, कुछ x प्लस आइटा वाई, जेड इक्वल दिया हुआ x प्लस आइटा वाई, और इसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है। हमने मान लिया इसका जो स्क्वायर रूट है x प्लस आइटा वाई का स्क्वायर रूट, मतलब अंडर रूट लगा दिया हमने, मान लिया ये क्या आएगा, a प्लस आइटा बी। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, तो इसका जो स्क्वायर रूट है उसको हमने मान लिया a प्लस आइटा बी है, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है, वो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो देखो, तो यहां से हमने बोल दिया अंडर रूट एक्स प्लस आइटा वाई किसके इक्वल बोल दिया अपन ने, ए प्लस आइटा बी के इक्वल बोल दिया। अब यहां से हमने दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या आएगा, एक्स प्लस आइटा वाई रहेगा, ठीक है, रूट हट जाएगा। राइट हैंड साइड में स्क्वायरिंग करोगे तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी आइटा यह आ जाएगा, ये तुम आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल अगर होते हैं तो क्या करते हो, रियल पार्ट रियल के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल। तो यहां से देखो, रियल पार्ट ये इसके इक्वल आएगा, है ना, और ये इमेजिनरी पार्ट इसके इक्वल आएगा। तो यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये यहां से कितना आ गया बच्चों, एक्स आ गया, और टू ए बी यहां से कितना आ गया, वाई आ गया, ठीक है। रियल पार्ट रियल के इक्वल और इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल। अब तुम एक चीज देखो, अब अगर ए और बी निकालना है मेरे को तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास में है, मैं क्या करता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू और निकाल लेता हूं। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल लिया तो इन दोनों इक्वेशंस को एक बार ऐड करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा, ए और बी आ जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देखो कैसे निकालेंगे अपन, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। ये तुम बिल्कुल फॉर्मूला जो है डेराइव करके देख सकते हो। ये जब ओपन होगा तो क्या देगा, ए की पावर फोर प्लस बी की पावर फोर माइनस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। ये ऐड होगा तो क्या बन जाएगा, ए की पावर फोर प्लस बी की पावर फोर प्लस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, जो कि क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और रूट से क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम इसको लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मुझे a square minus b square की वैल्यू भी पता है और 2ab की वैल्यू भी पता है, तो इसकी वैल्यू भी निकल जाएगी और इन दोनों के हेल्प से मैं ये वैल्यू निकाल के a square plus b square निकाल लूंगा, ठीक है। तो देखो, a square plus b square कितना हो जाएगा बच्चों, यहां से अंडर रूट ये रख दिया अपन ने, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसका स्क्वायर किया तो यह आ जाएगा यहां पे वाई स्क्वायर बन के आ जाएगा ना, क्योंकि इसका स्क्वायरिंग करोगे तो फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर बनेगा और इक्वल में कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर। तो फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। अब एक चीज तुम्हें पता होगी, अगर अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर जेड दिया हुआ था एक्स प्लस आइटा वाई, तो मॉड जेड कितना होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो याद होगा आप लोगों को, ठीक है। तो यानी इसको मैं क्या बोल दूंगा, ये मॉड जेड आ गया, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ गया बच्चों, मॉड जेड आ गया, ये क्वेश्चन आ गई। और एक इक्वेशन पहले से ही थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये कितना था, एक्स था। अभी दो इक्वेशन आ गई, दोनों को ऐड करेंगे, ए निकल जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे बी निकल जाएगा। तो इन दोनों को अपन ने ऐड कर दिया, तो ऐड करते बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, टू ए स्क्वायर कितना आ गया, मॉड जेड प्लस एक्स आ गया, यानी कि टू ए स्क्वायर कितना आ गया, मॉड ऑफ जेड प्लस एक्स। तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, मॉड जेड प्लस एक्स अपॉन टू। तो बच्चों ए कितना हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट मॉड जेड प्लस एक्स अपॉन टू, ये ए आ गया। तो एक तो ये याद कर लिया सीधा सीधा, ए आ गया। दूसरा निकालना है बी, तो बी के लिए क्या करेंगे, बी के लिए क्या करेंगे बच्चों, बी के लिए इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर देता हूं, तो ये बन जाएगा टू बी स्क्वायर इक्वल टू मॉड जेड माइनस एक्स, ठीक है। तो ये आ गया टू बी स्क्वायर इक्वल मॉड ऑफ जेड माइनस एक्स। तो बी स्क्वायर कितना आ गया बच्चों, बी स्क्वायर आ गया अपने पास में मॉड जेड माइनस एक्स अपॉन टू। तो बी कितना आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट मॉड ऑफ जेड माइनस एक्स अपॉन टू आ गया, ठीक है। यही हमारा क्वेश्चन था, हमें ए और बी ही निकालना था। क्यों निकालना था, क्योंकि स्क्वायर रूट जो था उसको हमने क्या मान लिया था, ए प्लस आइटा बी, ए आ गया बी आ गया, तो ये इसके रूट के इक्वल आ गया, यानी इसका क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया। अब ये वैल्यूज रख दो ए और बी की, तो देखो क्या बन जाएगा, अंडर रूट एक्स प्लस आइटा वाई, ठीक है। इसको भी ध्यान रखना है आपको, तो मैं इसको भी बॉक्स में बंद कर देता हूं, यह आ गया। तो अब देखो,
अंडर रूट एक्स प्लस आइटा वाई था, ए प्लस आइटा बी, और ए प्लस आइटा बी यानी वैल्यूज रख दो, तो वैल्यू क्या क्या लिखोगे, ए की वैल्यू रखूंगा मैं प्लस माइनस अंडर रूट मॉड जेड प्लस एक्स अपॉन टू, और बी की वैल्यू कितनी रखूंगा मैं प्लस माइनस अंडर रूट मॉड जेड माइनस एक्स अपॉन टू, तो प्लस माइनस कॉमन आ जाएगा, ठीक है, तो प्लस माइनस आ जाएगा बाहर, अंदर कितना बन जाएगा, ए की जगह रख दिया मॉड ऑफ जेड प्लस एक्स अपॉन टू प्लस आइटा, बी की जगह कितना आ जाएगा अंडर रूट मॉड ऑफ जेड माइनस एक्स अपॉन टू। अब इसमें एक चीज तुम्हें याद रखनी है, ये हो गया फॉर्मूला, ये आपको सिलसिला याद रखना है, बस एक चीज का ध्यान रखना है, यहां पे ये जो साइन आएगा प्लस लेना है या माइनस लेना है वो लेना है अकॉर्डिंग इमेजिनरी पार्ट ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना, यानी कि मान लो कोई भी नंबर दे रखा है x plus i टाइप, इसका रूट निकालना है तो रूट x plus i टाइप को सीधा सीधा क्या लिखोगे, सीधा फॉर्मूला याद रख लो, अभी ये क्या आएगा अंडर रूट मॉड जेड, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ था x plus i टाइप, जेड क्या दिया हुआ है x plus i टाइप, तो यहां से क्या निकालोगे मॉड जेड निकालोगे, मॉड जेड प्लस एक्स यानी इसका रियल पार्ट, ठीक है ना, क्या बन जाएगा ये मॉड जेड प्लस इसका रियल पार्ट अपॉन टू, अगर यहां प्लस है तो यहां क्या आएगा माइनस आएगा, प्लस आएगा आइटा के साथ में अंडर रूट मॉड जेड माइनस एक्स अपॉन टू, जहां पे मॉड जेड क्या है गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, ठीक है, एक्स क्या है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, बाहर लगाना प्लस माइनस, यहां पे ये जो साइन है ये प्लस और माइनस दोनों में से कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिया है उसमें साइन क्या है, अगर यहां पर प्लस आया तो तुम यहां पर प्लस लोगे, ठीक है, अगर यहां पे माइनस आया तो यहां पे हमें माइनस लेना होगा, यहां प्लस है यहां प्लस यहां माइनस, ठीक है, तो ये फॉर्मूला तुम्हें सीधा सीधा ध्यान रखना है, तुम बड़ी आसानी से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो विद इन सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स के अंदर अंदर, ठीक है। तो देखो जैसे मैं आपको एक दो क्वेश्चन बताता हूं इस पर, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की मैं बात करता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ किसका स्क्वायर रूट निकालना है हमें माइनस फाइव प्लस ट्वेल्व आइटा, ठीक है, तो यहां से क्या क्या निकालोगे, दो चीज निकालो सीधा सीधा, मॉड जेड निकालो और एक्स निकाल लो, तो मॉड जेड कितना आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, कितना हो गया 13 हो गया, दूसरा एक्स क्या होता है रियल पार्ट, तो रियल पार्ट कितना इसका माइनस फाइव, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, देखो स्क्वायर रूट जो होगा वो क्या हो जाएगा प्लस माइनस बाहर लगा दिया, अंदर क्या आएगा अंडर रूट मॉड जेड प्लस एक्स यानी दोनों को ऐड किया, तो 13 और माइनस पांच को ऐड करोगे तो कितना आएगा 8 डिवाइड बाय 2, यहां आएगा साइन, यहां साइन कैसे लेना है जो यहां पे इसके इमेजिनरी पार्ट का साइन है, तो यहां का इसका इमेजिनरी पार्ट का साइन देखो प्लस 12 आ रहा है, तो यहां पे क्या लोगे प्लस लेंगे, ठीक है, यहां क्या आएगा अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ जेड माइनस एक्स इन टू, अंडर रूट के अंदर क्या आएगा मॉड जेड माइनस एक्स अपॉन टू, तो इसमें से इसको माइनस किया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 18 हो जाएगा 18 बाई 2, और साथ में कितना आ गया आयोटा, ठीक है, मॉड जेड प्लस एक्स अपॉन टू मॉड जेड माइनस एक्स अपॉन टू, यहां पे साइन आएगा यहां से जो आया प्लस आया और इनटू आइटा, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों प्लस माइनस, ये बन गया रूट फोर, तो कितना हो जाएगा टू प्लस ये बन गया थ्री आइटा, तो ये आ गया इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट प्लस माइनस टू प्लस थ्री आइटा, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद में आप आराम से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, हमें दूसरा क्वेश्चन जो है इसमें क्वेश्चन टू ये हमारे पास में स्क्वायर रूट निकालना, किसका निकालना है माइनस एट आइटा, ठीक है, फिर से वही चीजें मॉड जेड, तो मॉड जेड देखो यहां पे कितना आएगा एट आएगा क्योंकि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, तो यहां पे रियल पार्ट कितना हो गया इसका जीरो यानी एक्स तो कितना है जीरो और इमेजिनरी पार्ट कितना हो गया माइनस एट, तो ये मॉड जेड कितना आ जाएगा एट आ जाएगा, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा प्लस माइनस, यहां क्या आएगा अंडर रूट मॉड जेड प्लस एक्स, तो मॉड जेड कितना है एट प्लस जीरो अपॉन टू, यहां साइन कैसे लोगे जहां जो इसमें इमेजिनरी पार्ट का साइन है, यहां इमेजिनरी पार्ट कैसा दिया है माइनस, तो यहां साइन कैसा आएगा माइनस, यहां क्या आएगा अंडर रूट मॉड जेड माइनस एक्स अपॉन टू, और ये आ गया आयटा, तो ये क्या बन जाएगा प्लस माइनस, ये हो गया टू माइनस, ये बन गया टू आयटा, तो ये हो गया इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान सी बात थी, जो मेन चीज है वो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो 10 सेकंड के अंदर अंदर स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। तो इस वीडियो क्या करना है बच्चों, लाइक करना है, अपने सब दोस्तों के साथ शेयर करो, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए तब तक टाटा बाय बाय, गुड नाइट।